Hey, कैसे हो दोस्तों? Oops! अरे नहीं, मुझे लगता है ये है सुनामी। आइए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आ जाइए दोस्तों। सुनामी महासागर की सतह पर अचानक से आने वाले भूकंपों की वजह से, समंदर की सतह पर भूस्खलन, या समंदर की सतह पर जमीन फिसलने, या बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने, या फिर उल्का पिंड के समंदर की सतह पर गिरने से आती है। दोस्तों जब भूकंप, भूस्खलन या फिर ज्वालामुखी फटता है समंदर के ऊपर या समंदर के नीचे, तो एक सीधा झटका लगता है जो उसकी सतह को अपनी जगह से हिला देता है और पानी में जबरदस्त हलचल मच जाती है। पानी ऊपर की तरफ उठता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचती है, और दोस्तों इससे पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जहां हलचल होती है वहां से तरंगें चलनी शुरू कर देती हैं। सुनामीज महासागर की सतह पर तो महज एक छोटी सी लहर जैसी लगती हैं, क्योंकि यहां पानी काफी गहरा होता है, लेकिन जैसे ही ये लहरें जमीन तक पहुंचती हैं तो पानी छिछला हो जाता है और धीरे धीरे लहरों की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और किनारे पर टकराते ही बर्बादी मचा देती है और हर तरफ तबाही ही तबाही। कहते हैं कि सुनामी की पहली लहर बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन इसके बाद वाली लहरें और ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती हैं। ओ, सुनामी 750 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है और इतनी ही रफ्तार से जेट प्लेन्स भी उड़ते हैं, और इसलिए सुनामी की लहरों को कहा जाता है किलर वेव्स। खतरनाक है ना? ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि सुनामी की लहर की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है और इसके गुजरने का पता भी नहीं चलता? अगर आप सुनामी में फंस जाएं तो तैरिए मत, क्योंकि पानी का बहाव आपको उल्टी दिशा में ले जाएगा। आप किसी तैरती चीज को पकड़ लीजिए और सुरक्षित रहिए। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखिए और भूकंप के बारे में और जानिए, क्योंकि यही तो एक मुख्य वजह है सुनामी आने की। तो अब वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।